हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत आज हमारे मोदी सरकार ने हमारे पूरे भारत में बहुत ही बड़े बड़े और काम की खबरों को जारी किए हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में आपको इन सभी महत्वपूर्ण और सभी बड़ी खबरों के बारे में सारी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि आज की हमारी बड़ी खबर में हमारे मोदी सरकार ने राशन कार्ड वाले धारकों के लिए बड़ी खबर जारी किया है। अगर आपके पास कोई सा भी राशन कार्ड है तो हमारे मोदी सरकार की तरफ से आपको 2500 रुपए तुरंत मिलेंगे। तो आखिरकार इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, इसकी अभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हमारे मोदी सरकार ने एलपीजी ग्राहकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी को जारी किया है। अगर आपके घर में भी एलपीजी का गैस सिलेंडर यूज होता है तो हमारे भारत के सरकार ने आपको 500 रुपए कैश बैक देने का ऐलान किया है। और इसी के साथ हमारे एयरटेल और जियो के ग्राहकों के लिए हमारी टेलीकॉम कंपनियां बहुत ही बड़ी राहत देने जा रही है। अब से आपको बहुत ही कम दाम दे करके आपको ज्यादा जीबी डेटा और फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलने जा रही है। तो आखिरकार इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, इसको भी जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा आज मौसम समाचार भी जानेंगे और भी बड़ी बड़ी खबरों को जारी किया गया है, जो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सारी जानकारी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बीच में बंद करने की भूल मत करना, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नानी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाने चलता हूं आपको आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। दोस्तों बता दें आपको कि अगर आप भी एयरटेल और जियो का सिम यूज करते हैं तो हमारे सभी प्रीपेड टेलीकॉम कंपनियां ने आपको बड़ी राहत दी है। और इस राहत के समय हमारे एयरटेल और जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा लेकर आई है, जिसके तहत दोस्तों आपको बहुत ही यहाँ पर कम दाम दे करके, यानी कि दोस्तों लगभग आपको 199 में आपको 3 महीने तक सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है उन सभी ग्राहकों के लिए जो जियो और एयरटेल का सिम यूज करते हैं। अगर दोस्तों आपके परिवार में या आप खुद भी जियो और एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो आने वाले नए साल 2021 में हमारी टेलीकॉम कंपनियां यानी कि एयरटेल और जियो आपके लिए खास सुविधा लेकर आने वाली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं करना होगा इंतजार, दिल्ली सरकार ने बनाया नया नियम। यानी कि दोस्तों अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक बना नहीं है तो आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के कुछ ऐसे नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत दोस्तों आपको बहुत ही कम समय में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जिस काम के लिए आपको 45 दिन लगना पड़ता था, अब वही काम सिर्फ और सिर्फ आपके 15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है उन सभी ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए जिनका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं बना है। तो हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए अच्छी खबर जारी कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है कि नहीं बना है। अगर आपका अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनकर नहीं तैयार हुआ है तो इतनी बात हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे सभी पैन कार्ड के धारकों के लिए। जी हाँ, अगर आपका पैन कार्ड भी नहीं है तो हमारे भारत के सरकार ने सभी पैन कार्ड वाले धारकों के लिए कुछ ऐसी नई सुविधा लेकर आई है, जिसके तहत दोस्तों मात्र आपका 2 मिनट में आधार के जरिए आपका पैन कार्ड बनके तैयार हो जाएगा और आपको 1 हफ्ते के अंदर आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। तो दरअसल बात कुछ यूं है ना दोस्तों कि हमारी यूडीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है कि अगर आपका पैन कार्ड अभी तक नहीं है तो आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसी नई सर्विस पेश किया गया है, जिसके तहत मात्र आपका 2 मिनट में आपका पैन कार्ड बनके तैयार हो जाएगा और मात्र आपको 1 हफ्ते के अंदर आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा आपके आधार कार्ड के द्वारा। तो ये कुछ हमारे यूडीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अगर आपके परिवार में या आपका अभी तक पैन कार्ड नहीं बना है तो अब से हमारे मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2021 से सबके लिए बहुत ही खास सुविधा लेकर आ रही है, जिसके तहत दोस्तों मात्र आपका पैन कार्ड 2 मिनट में आधार के जरिए बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों को इस दिन के बाद मिल सकता है ये फायदा, बढ़कर मिलने लगेगी सैलरी। जी हां, दरअसल दोस्तों हमारे भारत के सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अगर आप भी दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट या सर्विस कर्मचारी है तो आने वाले साल 2021 में हमारे भारत के सरकार ने लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन 2 गुना करने वाले हैं। और दोस्तों ये फैसला हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री की बैठक में हो चुका है। दरअसल हमारे कोरोना संकट के महामारी में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को पुरानी दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है और आपका मौजूदा दर 21% है, लेकिन सभी कर्मचारियों को 17% दिया जा रहा था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे भारत के सरकार ने साल 2021 में सभी केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 2 गुना करने का फैसला कर लिया है। अगर आप भी दोस्तों कहीं पर भी सरकारी नौकरी करते हैं तो आने वाले साल 2021 में हमारे मोदी सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों का सैलरी लगभग 2 गुना करने का फैसला कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है उन सभी लोगों के लिए जो एक सरकारी
और गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है तो आने वाले साल 2021 में उसका सैलरी दोगुना होने वाला है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के साथ पा सकते हैं 500 रुपए तक का कैशबैक। जी हां, दरअसल दोस्तों हमारे भारत की सरकार ने सभी एलपीजी ग्राहकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी को जारी किया है। अगर दोस्तों आपके घर में भी एलपीजी का गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो हमारे भारत की सरकार ने पेटीएम के जरिए बुक करने पर आपको 500 रुपए का कैशबैक देने का ऐलान किया है। तो चलिए इसके बारे में आगे जान लेते हैं कि आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा। तो दरअसल बात कुछ यूं है ना दोस्तों कि हमारे भारत की सरकार ने सभी पेटीएम ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर जारी किया है। अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप पेटीएम से ही अपने एलपीजी गैस कनेक्शन को बुक करते हैं तो आपके पेटीएम में तुरंत आपको 500 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है उन सभी लोगों के लिए जो पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो अपने पेटीएम से ही अपने एलपीजी गैस को बुक करिएगा, क्योंकि अगर आप गैस एजेंसी से अपने गैस को बुक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पेटीएम के जरिए अपने एलपीजी गैस सिलेंडर को बुक करते हैं तो आपके पेटीएम में तुरंत आपको 500 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो मिलेगा 2500 रुपए का कैशबैक। सरकार लगभग 250 करोड़ लोगों के खाते में डालेगी पैसे। जी हां, दरअसल दोस्तों हमारे भारत की सरकार ने सभी राशन कार्ड वाले धारकों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी को जारी किया है। अगर आपके पास कोई सा भी राशन कार्ड हो तो आने वाले साल 2021 में हमारे भारत की सरकार ने सभी राशन कार्ड वाले धारकों को 2500 रुपए देने का फैसला कर लिया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो दरअसल हमारे भारत की सरकार ने सभी राशन कार्ड वाले धारकों को 2500 रुपए देने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि आने वाले अगले 3 महीने तक आपको फ्री में राशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे भारत की सरकार ने सभी राशन कार्ड वाले धारकों को 2500 रुपए देने का फैसला कर लिया है ताकि वो इस पैसे से अपना खुद का राशन खरीद सके और अपना पालन पोषण कर सके। तो ये कुछ हमारे भारत की सरकार ने सभी राशन कार्ड वाले धारकों के लिए बड़ी खबर जारी कर दिया है और आने वाले साल 2021 में आपके बैंक खाते में आपको 2500 रुपए तुरंत मिल जाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली NCR में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, उत्तर भारत में शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, दरअसल दोस्तों हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपके मौसम को लेकर के बड़ी खबर जारी किया है। अगर आप भी दोस्तों इन राज्यों से आते हैं ना तो फिर हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपको अलर्ट जारी कर दिया है। तो वैसे में आपको बताएं दोस्तों कि हमारे भारत में इतनी ज्यादा आपकी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लगभग सभी राज्यों को हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपको अलर्ट कर दिया है। और दोस्तों बता दें कि हमारे शीतलहर के कारण मैदानी से होकर के पहाड़ों तक कड़ाके की ठंड पड़ती जा रही है और इसके साथ ही हमारे उत्तर भारत की अधिकतर शीतलहर की चपेट में है और दिल्ली NCR में 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मैदानी राज्य में ठंड बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपके UP, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात इन सभी राज्यों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। तो ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगर आपके राज्य की कोई भी मौसम की जानकारी आएगी तो मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको बता दूंगा। और फिलहाल दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात इन सभी राज्यों से आते हैं तो आपको अगले 1 हफ्ते तक अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लगभग आपको 1 हफ्ते तक अलर्ट जारी कर दिया है। तो बस आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आज आपको जानकारी बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में इस खबर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज का यही मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज यहीं पर फिनिश होता है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।